तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 7000 के बजट रेंज में आने वाले पांच बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में। 7000 का जो बजट रेंज है ना, यहाँ पर बहुत ही कम स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं। जितने भी अवेलेबल है वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, पर फिर भी मैंने आज आपके लिए गिने चुने पांच बेस्ट स्मार्टफोन को सेलेक्ट किया है, जहाँ पर आपको बजट के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा प्रोसेसर, अच्छी स्पेसिफिकेशन और अच्छी कैमरे की क्वालिटी मिल जाती है। तो अगर आप भी इस बजट में कंफ्यूज थे कौन से स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप बार हमारे चैनल पे आ रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट नंबर 5 पे जो स्मार्टफोन आता है, वो आता है इन्फिनिक्स की तरफ से स्मार्ट 7 HD। तो दोस्तों अगर आपका बजट 6 से 7 हजार के आसपास है और इस बजट में आपको कोई सा एक बेस्ट इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन चाहिए, तो स्मार्ट 7 HD को आप कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 6.6 इंचेस की HD+ वाली IPS LCD पैनल मिल जाती है, जो कि 60Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है, 500 nits की पिक ब्राइटनेस, बैक में फिंगरप्रिंट स्कैन, 3.5mm का हेडफोन जैक भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको यूनिसॉक की तरफ से ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिल जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 गो एडिशन पे आता है, XOS 12 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 5000mAh की बैटरी मिलती है। यहाँ पर आपको डुअल कैमरा सपोर्ट मिलेगा, जिसमें से प्राइमरी कैमरा 8 MP का, दूसरा कैमरा AI लेंस है और फ्रंट में 5 MP का सेल्फी शूटर मिल जाता है। स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको 1080p तक की वीडियो 30fps पे रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके साथ साथ नाइटस्केप कैमरा, आई ट्रैकिंग और पोर्ट्रेट मोड जैसे फोटोग्राफिक मोड्स मिलेंगे। एक्सटेंडेड रैम का सपोर्ट दिया गया है, एक्सरीना मोड है, DTS की तरफ से साउंड सिस्टम मिलता है। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की, तो स्मार्टफोन का 2GB रैम प्लस 64GB रोम वाला वेरिएंट आपको मिलेगा 6199 रुपीज में। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट नंबर 4 पे जो स्मार्टफोन आता है, वो आता है मोटोरोला की तरफ से मोटो E13। तो दोस्तों अगर आपको 7000 के बजट में कोई सा एक बेस्ट मोटोरोला का स्मार्टफोन चाहिए, जहां पर आपको अच्छे यूजर एक्सपीरियंस के साथ साथ अच्छे स्पेसिफिकेशन भी मिल जाए, तो आप मोटोरोला की तरफ से E13 को कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 6.5 इंचेस की HD+ वाली IPS LCD पैनल मिल जाती है, जो कि 60Hz के रिफ्रेशर पे वर्क करती है। 3.5mm का हेडफोन जैक मिल जाता है। बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको यूनिसॉक की तरफ से T606 वाला प्रोसेसर मिलेगा। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 गो एडिशन पे आता है। 5000mAh की बैटरी मिलती है, जो कि 10W के चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। यहाँ पर आपको सिंगल कैमरा सपोर्ट मिलेगा, बैक में 13 MP का और फ्रंट में 5 MP का सेल्फी शूटर दिया गया है। स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको 1080p तक की वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है। सिंगल स्पीकर मिल जाते हैं डॉल्बी एटमॉस की तरफ से। IP52 का ऑटो रिपेलेंट वाला डिजाइन है। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की, तो स्मार्टफोन का 2GB रैम प्लस 64GB रोम वाला वेरिएंट आपको मिल जाएगा 6999 रुपीज में। उसके बाद बात कर लेते हैं लिस्ट नंबर 3 पे जो स्मार्टफोन आता है, वो आता है शाओमी की तरफ से Redmi A2। तो दोस्तों अगर आपको 7000 के बजट में कोई सा एक बेस्ट शाओमी रेडमी का स्मार्टफोन चाहिए, तो आप A2 को कंसीडर कर सकते हैं, जहां पर आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस के साथ साथ अच्छा डिजाइन मिलता है। यहां पर आपको 6.52 इंचेस की HD+ वाली IPS LCD पैनल मिलेगी, जो कि 60Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। 400 nits की पिक ब्राइटनेस मिल जाएगी। 3.5mm का फोन जैक है। बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको MediaTek की तरफ से Helio G36 वाला प्रोसेसर मिलता है। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 गो एडिशन पे आता है। MIUI 13 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 5000mAh की बैटरी मिलती है, जो कि 10W के चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। यहाँ पर आपको डुअल कैमरा सपोर्ट मिलेगा, जिसमें से प्राइमरी कैमरा 8 MP का है, दूसरा कैमरा AI लेंस और फ्रंट में 5 MP का सेल्फी शूटर भी मिल जाता है। स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको 1080p तक की वीडियोस 30fps पे रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलता है। बात करें एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो पोर्ट्रेट मोड, HDR और टिल्ट शिफ्ट जैसे फोटोग्राफिक मोड्स मिल जाएंगे। डेडिकेटेड SD का स्लॉट भी दिया गया है। एक्सटेंडेड रैम का सपोर्ट है। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन 3 कलर वेरिएंट पे आता है। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की, तो स्मार्टफोन का 2GB रैम प्लस 32GB रोम वाला वेरिएंट आपको मिलेगा 6499 रुपीज में। उसके बाद लिस्ट में नंबर 2 पे जो स्मार्टफोन आता है, वो आता है रियलमी की तरफ से Narzo 50i Prime। तो दोस्तों अगर आपको रियलमी की तरफ से आने वाला स्मार्टफोन चाहिए, जहां पर आपको बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन मिल जाए, तो आप 7000 के बजट में रियलमी Narzo 50i Prime को कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 6.5 इंचेस की HD+ वाली IPS LCD पैनल मिल जाती है, जो कि 400 nits की पिक ब्राइटनेस पे वर्क करती है। 3.5mm का हेडफोन जैक मिल जाएगा। स्मार्टफोन का डिजाइन आपको बॉक्सी टाइप का मिल जाता है। यहाँ पर आपको यूनिसॉक की तरफ से T612 वाला प्रोसेसर मिलेगा। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 पे आता है। Realme UI R Edition पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिलने वाला है। 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी, जो कि सपोर्ट करती है 10W के फास्ट चार्जिंग स्पीड को। यहाँ पर आपको सिंगल कैमरा सपोर्ट मिलेगा, बैक में 8 MP का और फ्रंट में 5 MP का सेल्फी शूटर है। स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको 1080p तक की वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है। बहुत सारे फोटोग्राफिक मोड्स दिए गए हैं। LPDDR4S की रैम है, UFS 2.2 की स्टोरेज है। और अगर
फाइनली बात करें प्राइसिंग की तो स्मार्टफोन का 3GB रैम प्लस 32GB रोम वाला वेरियंट आपको मिलेगा 6899 रुपीज में। उसके बाद फाइनली बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट नंबर 1 पे जो स्मार्टफोन आता है, मतलब पोको की तरफ से पोको C55। तो दोस्तों अगर आपको 7-7.5 हज़ार के बजट में एक अल्टीमेट स्पेसिफिकेशन और परफॉर्मेंस के साथ आने वाला स्मार्टफोन चाहिए तो पोको की तरफ से C55 आपके लिए बहुत ही अच्छी चॉइस हो सकती है। यहाँ पर आपको 6.71 इंचेस की लार्ज HD+ डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 60Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। बैक में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, प्रीमियम लेदर लाइक स्टिच वाला डिजाइन दिया गया है। बात करें प्रोसेसर की तो यहाँ पर आपको MediaTek की तरफ से हीलियो G85 वाला प्रोसेसर मिलता है। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पे आता है, MIUI 13 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिलेगा। 5000mAh की बैटरी मिलती है जो कि 10W के चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। यहाँ पर आपको डुअल कैमरा सपोर्ट मिलेगा जिसमें से प्राइमरी कैमरा 50MP का है, दूसरा कैमरा AI लेंस और फ्रंट में 5MP का सेल्फी जूटर मिल जाता है। स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको नाइट मोड, पोर्ट्रेट और HDR जैसे फोटोग्राफिक मोड्स मिलेंगे। 1080p तक आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। बात करें एक्स्ट्रा फीचर्स की तो टर्बो रैम एक्सपांशन का सपोर्ट मिलता है, IP52 का सर्टिफिकेशन है और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की तो स्मार्टफोन का 4GB रैम प्लस 64GB रोम वाला वेरियंट आपको मिलेगा 7499 रुपीज में। प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा है, अगर आप बजट बढ़ा सकते हैं तो 7500 के बजट में पोको C55 आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है अगर आपको एक परफॉर्मेंस एंटी स्मार्टफोन चाहिए या फिर गेमिंग के लिए स्मार्टफोन चाहिए 7000 के बजट में। तो बाकी दोस्तों ये तो थे हमारे लिए इसके टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन जो कि आपको 7000 के बजट में मिलेंगे। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग, कंपनी के अकॉर्डिंग किसी भी स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। बाकी आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।